मैं बताऊंगा कि आप इस फाइल को, जैसे ये फोटो है, इसके पीछे यानी बैकग्राउंड को कैसे हटाएं एक क्लिक में। तो इसके लिए आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर लिखना है BG रिमूव, ठीक है। तो मैं BG रिमूव लिखता हूँ, BG और रिमूव लिखना है, स्पेस डाल के रिमूव। ये देखो आ गया BG रिमूव, ठीक है। AI को हटा दो, और इस तरीके से आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। कुछ देर रुकेंगे और यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जहाँ भी आपकी इमेज है वहाँ पर जाएँ, तो मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे ये वाली इमेज है, तो इस पर क्लिक करता हूँ। और देखिए 1 सेकेंड में ये इसे पीछे का बैकग्राउंड हटा देगा, यानी रिमूव कर देगा। और साथ ही दोस्तों, इसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाएंगे, और यहाँ पर कलर चूज़ करना चाहते हैं तो कलर लगा सकते हैं इसके पीछे। अगर आप ब्लर रखना चाहते हैं तो आप ब्लर, या फिर अगर आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं पीछे तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आप, मैं इसके पीछे वाइट रखना चाहता हूँ तो वाइट मैंने कर दिया है, और डन करने बाद मैं यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते कि आपके गैलरी में कोई फ़ोटो है वहाँ से भी ले सकते हैं गैलरी से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर वाइट ही रखूँगा, वाइट के लिए डन करूँगा, और डन करने बाद यहाँ पर डाउनलोड कर दूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेव। इस तरीके से आप अपना, अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कई और नए टॉपिक के साथ।